देखो बेटा, कल आपा स्टार्ट किया सी टॉपिक किरचॉफ सेकंड लॉ, तो उदे बारे एक्सप्लेन किया सी जिसनू वोल्टेज लॉ और लूप रूल भी बोलते हैं। पर हुन आपा बेटा आज स्टार्ट करना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली बेटा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ब्रिज कहने हैं पुल नूं, पर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम है। हुण वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ओदी सेटिंग किस तरह की है कि व्हीटस्टोन ब्रिज दे विच देयर आर बेसिकली फोर रेजिस्टेंसेस। PQRS। हुण देखो बेटा, आ जो पॉइंट है, दिस वन दिस वन दिस वन, ए बी सी डी। हुण आ जड़े ए बी सी डी पॉइंट्स है बेटा, हुण तुसी ध्यान दियो पुत, ए और सी या ए एंड बी, ए इस वक्त एदा वा जिस तरह दो नदी दे किनारे है, सी एंड डी, ए एंड बी। हुण जिद्दां दो नदी दे किनारे नूं जोड़न लई ब्रिज बनाया जांदा ना, कंस्ट्रक्ट कीता जांदा, उसी तरह नाल जो सी एंड डी है या ए एंड बी है, तो इहनूं बेटा अगर मैं इस तरह जोड़दा, ठीक है, तो आ जिहड़ी रेजिस्टेंस है ना, दिस वन, ये उसी तरह नाल है जिस तरह एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, तो इस रेजिस्टेंस नू ब्रिज रेजिस्टेंस कहने हैं बेटा। दिस इज नोन एज ब्रिज रेजिस्टेंस, आ वाली रेजिस्टेंस। तो क्योंकि ये जो सर्किट है ये विच या ब्रिज वाला पार्ट आ गया, इस करके नू ब्रिज सर्किट कह देने हैं। और ये डिजाइन किया व्हीटस्टोन ने, स्टडी किया इस सर्किट नू, इस करके व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देने। हुन नाउ देखो बेटा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, उस सर्किट दे विच बेटा ध्यान दियो, ये जिहड़ा सर्किट है ना, इहदे विच तुसी ध्यान की देना वा कि आ जिहड़े दो ऑपोजिट जंक्शन है सी एंड डी, और आ अदर दो ऑपोजिट जंक्शन है ए एंड बी, तो इन्हां दोनों विचों ए सी एंड डी एक, ए एंड बी दूसरे, ए ऑपोजिट जंक्शन है, तो इन्हां विचों अगर एक जंक्शन दे अक्रॉस असी सेल या बैटरी लगा देने हैं, है ना, ता ब्रिज रेजिस्टेंस दूसरे दे क्रॉस होएगी। और तुसी ये बैटरी सी एंड डी च भी लगा सकते हैं, तो ब्रिज रेजिस्टेंस ए एंड बी च होएगी। हुन आ जड़ी रेजिस्टेंस है बेटा, ब्रिज रेजिस्टेंस है, हुन नो डाउट है जदों सर्किट च करंट आएगा, ध्यान दियो पुत गल, तो अगर आ टोटल करंट आई है, तो उहदे विचों आ करंट आई वन है, आई टू है, तो हुण आई वन करंट इत्थे पहुंच गए, आई जी हो गया, है ना, ब्रिज करंट कह लो, और आ हो गया पुत आई वन माइनस आई जी, और इधरों जिहड़ा करंट है वो है आई टू, और इधरों आई जी। तो ये जिहड़े करंट्स है बेटा, ये फ्लो हो रहे हैं, है ना, तुहाडे सामने। हुण जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो दी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਚਫਸ ਲਾਜ਼, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਹੈ, ਪੀ ਇਨਟੂ ਆਰ। ਅਗਰ ਪੀ ਇਨਟੂ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਹੈ ਕਿਊ ਐਂਡ ਐਸ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੀ ਆਰ ਔਰ ਕਿਊ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇਇਓ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਵਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਅਦਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਆਰਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਇਸ ਆਰਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆ ਜੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਦਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਬੇਟਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਐਸ ਐਂਡ ਆਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਐਸ ਆਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਂਡ ਪੀ ਕਿਊ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਸ 'ਚ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਦੀ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਦਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਮਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਵਰੋਜ਼, ਕਾਵਿਆ, ਹਰਸ਼? ਮੁਕੁਲ? ਮੁਕੁਲ ਮੁਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜੋੜਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ੈਸ ਕਰਦੇ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਮੀਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜੀ ਲਿਖਤਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏ ਸੀ ਡੀ ਏ, ਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ, ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਐਚ ਔਰ ਐਲ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਐਚ ਔਰ ਐਲ ਲਿਖਤਾ, ਐਚ ਔਰ ਐਲ ਲਿਖਤਾ, ਐਚ ਔਰ ਐਲ ਲਿਖਤਾ, ਐਚ ਔਰ ਐਲ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਏ ਸੀ ਡੀ ਏ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੀ ਡੀ ਏ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦਾ, ਆ ਸਰਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਚਫ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਏ ਸੀ ਡੀ ਏ, ਇਸ ਲੂਪ 'ਚ ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪੀ ਇੰਟੂ ਆਈ ਵਨ, ਔਰ ਫਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ। ਸੀ ਤੋਂ ਡੀ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੀ ਤੋਂ ਏ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਰੰਟ ਆਈ ਟੂ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ, ਨੰਬਰ ਵਨ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਸੀ, ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੋਂ ਬੀ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਫਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਵਨ ਆਈ ਜੀ ਇੰਟੂ ਕਿਊ। ਬੀ ਤੋਂ ਡੀ ਬੇਟਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਆਈ ਟੂ ਪਲੱਸ ਆਈ ਜੀ ਇੰਟੂ ਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਡੀ ਤੋਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਨੰਬਰ ਟੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਵਨ ਪੀ ਪਲੱਸ ਆਈ ਟੂ ਐਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਤੋ ਆਈ ਵਨ ਪੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਟੂ ਐਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਈ ਵਨ ਕਿਊ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਟੂ ਆਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਓਗੇ ਆ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੋ ਪੀ ਬਾਏ ਕਿਊ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਬਾਏ ਆਰ, P into R is equal to S into Q। तो P into R is equal to S into Q। तो ये बन गया बेटा जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है ना। तो हुण ये थानू एक तो डिराइव करना आ सकता, एक पहचान पता लग चुकी है।
तो इथ तक किसी नु कोई प्रॉब्लम? हर्ष, नवरोज, काव्या, मुकुल। हुन देखो बेटा, हुन गल की समझ नहीं। अच्छा हुन नो डाउट ये जड़ा सर्किट है, आ देखो हम देखो बेटा, लेफ्ट वाल व्हीटस्टोन ब्रिज है रेजिस्टर्स दे, और राइट वाल व्हीटस्टोन ब्रिज है कैपेसिटर्स करके। तो इस करके घबराना नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज दे अंदर जेडे एलिमेंट्स है वो कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं। हुन ध्यान की देना बेटा, हुन आपां दोनों केसेस च फाइंड करनी है। लेफ्ट केस च करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और राइट वाल करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हुन ए एंड बी च इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इधर रेजिस्टेंस है। हुन 5 × 8 = 40, 4 × 10 = 40। तो ये सर्किट की है बेटा, तो ये सर्किट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये हट जानी है। हुन ये हटते सार इनू हटा देना, ये हटते सार ही, क्योंकि ए एंड बी दे विच करनी है। तो आ ऊपर वाला पाथ सीरीज है और आ भी सीरीज है और आपस च पैरेलल है, और इदा ही है कैपेसिटेंस भी, इदा ही है 5 × 8 = 40, 10 × 4। तो हुन ये जो बेटा सर्किट है इनू सॉल्व करना वा, तो तुसी आराम ना कर सकते हैं ना। हुन देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उदे नाल दी प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दा तरीका दसदा ना। हुन अगर बेटा देखो, हुन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प नाल ना असी अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हुन मान लो थानू मैं कहां आ 3 ओम है, आ 6 ओम है, आ 4 ओम है, आर है, 2 है ना, यहां दिता ही नहीं हुआ, ये व्हीटस्टोन ही है बैलेंस्ड। हुन अगर थोड़े सामने मैं बोला कि जो सामने डायग्राम दे विच सर्किट है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, तो क्योंकि ये बैलेंस्ड गिवन है पुत, तो 3 × R का प्रोडक्ट 4 × 6 दे बराबर है, तो R 8 आ जाएगा, 8 ओम। मतलब इस तरीके नाल भी तुसी वैल्यूज निकाल सकते हैं ना अननोन रेजिस्टेंस दी। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उन्हें डिफरेंट वेज असी यूज करना वा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करने ले भी ते प्रैक्टिकली भी।
हुण देखो बेटा, हुण सपोज करो थानू कोई कहे कि आ फिर दोबारा मैं बोला कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है बेटा, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस का मतलब है कि आ का रेजिस्टेंस है 4, आ है 6, आ है 2। हुण एरी बन गई 6x/6+x। हुण आ दोनों दी प्रोडक्ट और आ दोनों का प्रोडक्ट बराबर करके एक्स काट सकते हैं। तो इस तरीके नाल तुसी ए सर्किट सॉल्व करने हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दे ना। तो ए ता है रिगार्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, उसकी डेरिवेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स। हूँ बेटा असी डिस्कस करना वा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो प्रैक्टिकली असी व्हीटस्टोन ब्रिज नू कितने यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं ना। तो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही है मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। तो ओदे लई तुसी हुण आपां जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज जो है ना, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्योंकि हुन लॉकडाउन करके तुसी लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कीता, अदरवाइज एदा सिलेबस दे विच प्रैक्टिकल्स भी है ना तुहाडे मीटर ब्रिज ते बेस्ड, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस और टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल ऑफ वायर। तो वो सारा कुछ है। हुण एक्चुअली बेटा ये लिए हुण थानू सब तो पहला तो मीटर ब्रिज की स्ट्रक्चर बारे समझ होनी चाहिए है। एक्चुअली मीटर ब्रिज की है एक वुडन बोर्ड के उपर ना, आ एक वुडन बोर्ड है बेटा। ये बोर्ड के उपर मटैलिक स्ट्रिप्स लगिया हुई, मैटल दियां स्ट्रिप्स। और ये मैटल स्ट्रिप्स जड़िया वा ये वाइड होने का परपज ये है कि इन्हों की रेजिस्टेंस घट होएगी। तो यदा मतलब आप रेजिस्टेंस जड़िया मैटल स्ट्रिप्स है आलमोस्ट जीरो मान सकते हैं ना। हुण बेटा इत्थे दो गैप है, लेफ्ट गैप राइट गैप, आ लेफ्ट गैप है राइट गैप है। और आ बेटा एक एक वायर है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, और इस वायर की लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है, इस करके इन मीटर ब्रिज कह देने हैं क्योंकि ये 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज हुई। और ये वायर बेसिकली अलॉय की बनी हुई है ना, क्योंकि अलॉय जो है ना उसकी खासियत ये होती है कि उसकी टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी आलमोस्ट जीरो ही होता। मतलब जिन्ना मर्जी टेम्परेचर चेंज हो जाए उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सेम ही रहनी है आलमोस्ट, उस ज़्यादा फर्क नहीं पैना। हूँ बेटा अगर तुसी ध्यान दो तां इस मीटर ब्रिज दे विच जिहड़े ए एंड बी दो जंक्शंस है, तो इन्हां दे विच जिहड़ी आ वायर है ना, इहदी टोटल लेंथ हुंदी है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो ए और बी दे विच ना असी सेल कनेक्ट करते हैं।
सेल कनेक्ट कर दें। मीटर ब्रिज दे दो टर्मिनल्स है ए एंड बी, इन ऐसी सेल लगा देना। और आ जड़ा लेफ्ट गैप है और राइट गैप है, लेफ्ट या राइट गैप दे विच बेटा तुसी दोनों विचों एक, प्रेफरेबली लेफ्ट गैप दे विच अननोन रेजिस्टेंस लगाते। हुण आ जिहड़ा राइट गैप है, आ गैप इहदे विच नॉन रेजिस्टेंस है, आ वैल्यू थानू पता वा। हुण बेटा इत तक समय लगी मुकुल, मुकुल यस सर, लग गई समझ ना ये गल। हाँ हूँ बेटा एक्चुअली, हाँ ठीक है बेटा, हूँ आ जो टर्मिनल है ये भी टर्मिनल है कनेक्शन बनाने ली, ये आप एक वायर जोड़ के गलवैनोमीटर तो लैके आ है जोकी, दिस इज नोन एज जोकी, आ गलवैनोमीटर है बेटा। जेड़ा गलवैनोमीटर डिवाइस होंगे ना वो जीरो सेंटर से होंगी, मतलब जदों गलवैनोमीटर च करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उदी नीडल सेंटर दे है, ते जदों करंट फ्लो होंदा तो उदी नीडल राइट वाल भी जा सकती है लेफ्ट वाल भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गलवैनोमीटर। हुण बेटा सब तो पहला आपा की करते हैं कि आ जिहड़ा गलवैनोमीटर है इहदे नाल आपां एक जोकी, जोकी बेसिकली जिदा पेन है ना उदा का एक अपरेटस है जो टेंपरेरी कनेक्शन लिए यूज करते हैं। तो हम जिदा आ पेन है इस तरह की स्ट्रक्चर है, बस फर्क यह है कि आ जरा थानू शार्प पोर्शन नजर आ रहा है ये मेटल का बनया होया, और ये मेटल की वायर ये अंदरों की होंगी हुई लास्ट तक जा रही है और उतो कनैक्शन किया हुआ वायर के नाल गलवैनोमीटर का। तो सब तो पहला असं की करते हैं इस की नू इंजर्ट किया, इनू इंजर्ट करन तो बाद आ जिहड़ा जोकी है वो हाथ च पकड़ के जीरो नाल टच किया। जदों तुसी जोकी नू जीरो नाल टच किया बेटा ते नाल ही जिहड़ी गलवैनोमीटर दी नीडल है ना वो लेफ्ट या राइट वाल होए, एक साइड वाल होएगी दोनों वाल नहीं तो लेफ्ट वाल हो गई मान लो, तो असी इस जोकी नू चकना और 100 ते लगा देना। तो अगर नीडल लेफ्ट तो राइट वाल आ गई तो असी कहना कि कनेक्शंस आर प्रॉपर, कि कनेक्शंस प्रॉपर है, मतलब जीरो ते लगाते अगर डिफ्लेक्शन ऑफ गलवैनोमीटर लेफ्ट है ते 100 ते लगाते राइट हो गई तो कनेक्शंस प्रॉपर है। उल्टा भी हो सकता कि जीरो ते लगाते डिफ्लेक्शन राइट है और 100 ते लगाते लेफ्ट हो जाए, तां भी असी कहना कि कनेक्शंस प्रॉपर है। पर हुण आपां ये मान लिया कि ये सारा कुछ ठीक है, हुण न्यूमेरिकल या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करन लगे, करना रीडिंग लैन लगे, जोकी नू बाहर कढ़िया जीरो ते टच कीता और उस तो बाद इस जोकी नू वायर दे उपर स्लाइड करते हुए हल्का हल्का स्लाइड करते हुए अगे ले जा रहे हैं। जिदा जिदा ये जोकी अगे जा रहा गलवैनोमीटर की जो डिफ्लैक्शन है वो रिड्यूस हुंदी 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 जिथे जीरो आ गई, जिथे जीरो आ गई उथे रुक जाना। तो मान लो जदों असी जोकी नू टच करते करते अगे बढ़ रहे हैं डिफ्लेक्शन घटती घटती जीरो हो गई, अगर इतने जीरो हो गई तो असी इस पॉइंट नू कहना बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट। तो आ गया नल पॉइंट। हुण अगर आ डिस्टेंस एल है, मतलब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है ना एल है, तो फिर आहा 100 माइनस एल सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ 100 है। हुण बेटा अगर आपां इनू सी मान लईए और इनू डी नल पॉइंट में, तो तुसी ध्यान दियो तो आ ए है आ बी है आ सी है आ डी है, ठीक है। हुण ए एंड सी दे विच
एक्स रेजिस्टेंस है, ते सी एंड बी दे विच आर रेजिस्टेंस है। अच्छा हुण ए एंड डी दे विच जिहड़ी रेजिस्टेंस है ए एंड डी च, इहनू आपां पी मान लैंदे हां पी, ते डी एंड बी दे विच रेजिस्टेंस क्यू मान लैंदे हां। तां क्योंकि नल पॉइंट आ चुका, गलवैनोमीटर च कोई करंट नहीं है, सर्किट बैलेंस्ड है, तो इहदा मतलब एक्स इंटू क्यू पी इंटू आर। हुण इत्थों बेटा एक्स दी वैल्यू आ गई पी आर बाय क्यू। पर हुण ध्यान दिओ बेटा, थानू पता किसे भी वायर दी जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा हुण अगर ए और डी दे विच रेजिस्टेंस पी है तो वो रो एल ओवर ए आ गई, क्योंकि आ लेंथ एल है और आ रेजिस्टेंस क्यू के बराबर आनी बेटा, क्योंकि आ वायर और आ वायर सेम ही है तो रेजिस्टिविटी सेम ही है, पर लेंथ 100 माइनस एल, ते एरिया भी सेम ही है क्योंकि ये वायर यूनिफॉर्म थिकनेस दी है। हुण पी एंड क्यू दी वैल्यू जिहड़ी है वो पता लग चुकी तुहानू, तो इथों पी एंड क्यू दी रेशो की आ जानी बेटा एल बाय 100 माइनस, तो इथे पुट कर देनी एल आर बाय 100 माइनस है। हुण ये जिहड़ा रिजल्ट आया बेटा है ना, ये जिहड़ा रिजल्ट आया वा एल आर ओवर 100 माइनस एल एक्स इज इक्वल टू, तो ये रिजल्ट च क्योंकि आर भी नोन है और एल असी एक्सपेरिमेंटली नोट कर लेनी है, तो वैल्यू पुट करके एक्स अननोन रेजिस्टेंस निकल आनी है। तो इस तरीके दे नाल तुसी कैलकुलेशन करनी है ना। तो हुण इहदे च एक पॉइंट जिहड़ा लास्ट पॉइंट तुसी नोट कर सकते हो की है, मान लो आ वाली जिहड़ी एक्स रेजिस्टेंस है एक वायर है, ये वायर है वायर दी फॉर्म च है, तो अगर आप इस वायर दी लेंथ नोट कर सकते हैं इथों लैके आ सारी लेंथ है ना, तो अगर आप इस वायर दी लेंथ नोट कर लीए एल और इस वायर दा डायामीटर नोट कर सकते हैं, लेंथ नोट कर लांगे वायर नू उतार के एंड टू एंड स्केल दे नाल और डायामीटर स्क्रू गॉज नाल, तो स्क्रू गॉज नाल करन तो बाद अगर डायामीटर पता लग गया तो असी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हैं, ते इस वायर दी रेजिस्टेंस असी मीटर ब्रिज तो निकाल ली है एक्स, ते रेजिस्टेंस हुंदी है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर ए। हुण आ रेजिस्ट एदी रेजिस्टिविटी और एदी च फर्क है पुत, ध्यान रखियो ठीक है, इनू मैं रो डैश करता, ये मटेरियल अलग है ये अलग है। तो हुण क्योंकि एक्स असी निकाल लिया सी मीटर ब्रिज तो, एल लेंथ स्केल दे नाल मेजर कर ली, ए असी डायामीटर तो एरिया पाई डी स्केयर बाय 4 आ गया, तां इहदा मतलब इस वायर दी इहदी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकदे हां। तो इस तरीके दे नाल तुसी लोग अननोन रेजिस्टिविटी अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है ऑल अबाउट मीटर ब्रिज बेटा। तो इत्थे तक किसी नू प्रॉब्लम? काव्या